व्यक्तिगत कृपया ध्यान दें, गाड़ी नंबर 1216 लोकमान्य तिलक टर्मिनस से वाराणसी वाया शिवपुरी लोकमान्य तिलक टर्मिनस वाराणसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2। टेक ऑन टाइम प्लेटफॉर्म नंबर 4 से कोयम्बटूर एक्सप्रेस डिपार्ट हो रही है। डिपार्ट करेगी एलटीटी से 10:45 PM इन द नाइट और आपको तीसरे दिन सुबह पहुंचाएगी 1:25 AM मॉर्निंग वाराणसी में। हम करेंगे 1490 किलोमीटर कवर 26 घंटा 40 मिनट। भैया 2 लीटर पानी, अरे मतलब एक एक लीटर का 2 लीटर है। ये बॉय चिल देना दोनों। ये चलती है उत्कृष्ट कोचेस के साथ, इसकी मैक्सिमम स्पीड लिमिट है 110 km/h और हम ट्रैवल करेंगे ऑलमोस्ट अराउंड एवरेज 56 km/h टिल वाराणसी। फिलहाल जो डीजल इंजन जिसे सेंड किया था वो जा रहा है और मेगा से वैप 7 लगने वाला अभी, तो वेट करते हैं। तो भैया कोच कॉम्पोजिशन की बात करते हैं, इसमें 11 स्लीपर क्लासेस हैं, 5 थर्ड एसी है, 1 सेकेंड एसी है और 1 हाइब्रिड फर्स्ट एसी कम सेकेंड एसी है जो मैं आपको जल्दी दिखाने वाला हूँ। और इसमें 3 जनरल सिटिंग कोचेज हैं जो कि 2 आगे हैं 1 पीछे की तरफ है और 1 पैंट्री कार इंक्लूडेड है। पहले तो हम हैं थर्ड एसी में और आपको मैं दिखा देता हूँ, ये रहा अपर बर्थ, यहाँ पे स्विचेस 2 दिए हैं जो कि सफिशेंट है मुझे मेरे ख्याल से, ये लोअर बर्थ और ये साइड लोअर और ये साइड अपर। हाइब्रिड फर्स्ट एसी कम सेकेंड एसी दिखाता हूँ। हम चलते हैं अंदर कोच के और घुसते ही आपको पहला केबिन दिख जाएगा जो कि फर्स्ट क्लास है एंड दिस इज द सेकेंड केबिन, दिस इज द कूप, यहाँ पे सिर्फ 2 होता है फर्स्ट वन और ये लोअर एंड ये होता है सेकेंड, दिस इज सेकेंड राइट, हाँ ये होता है सेकेंड क्लास जो कि हाइब्रिड है, अपर बर्थ लोअर बर्थ साइड लोअर साइड अपर। सिर्फ 4 लोग ही यहाँ पे हैं, यहाँ पे 2 जन टोटल 6। और ये रही हाइब्रिड। वॉशरूम की कंडीशंस की बात करें तो ऑलमोस्ट राइट नाउ अभी तक चली नहीं है ट्रेन, ये अभी सिर्फ स्टंट होके आई है तो क्लीन है काफ़ी। एक्सपेक्टेशन थी वैप 7 की बट अभी लगने वाला है, शंट हो रहा है इंजन WAP4। प्लेटफॉर्म नंबर 4 खाली होने के बाद आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे पाटलिपुत्र एक्सप्रेस लगी है जो कि हमारे डिपार्ट होने के 1 घंटे बाद ही डिपार्ट होगी, LHB रेक्स के साथ है।
हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि हम थाने को स्किप करेंगे, बट पॉसिबली थाने में ऑलमोस्ट 1 मिनट ट्रेन रुकी है। अभी डिपार्ट हो रही है, मैं आपको डिपार्ट दिखाता हूँ। कल्याण जंक्शन स्टेशन कोड है KYN। यहाँ पे 15 मिनट्स डिले है ट्रेन, और हम पहुँचे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। हम पहुंच चुके हैं भुसावल जंक्शन स्टेशन कोड़े BSL जंक्शन, इसलिए क्योंकि यहां से एक लाइन जाती है टुवर्ड्स इटारसी और दूसरी जाती है टुवर्ड्स नागपुर। हम पहुंचे हैं 5 मिनट बिफोर, 5 मिनट का हॉल्ट है, तो लगभग करीबन 10 मिनट के करीब हम यहां पे रुकेंगे। पहुंच चुके हैं खंडवा जंक्शन स्टेशन कोड है KNW, ये पड़ता है सेंट्रल रेलवे मध्य प्रदेश में। खंडवा जंक्शन पे हमारे साथी हैं जो डेली आप लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, इनका स्टॉल है, आप जरूर इनके पास आइए खंडवा जंक्शन। और यहाँ पे हम पहुंचे लगभग 15 मिनट बिफोर, तो करीबन 17 मिनट हमें रुकना है यहाँ पे। Thank you.
730 किलोमीटर कवर करने के बाद हम पहुंचे हैं इटारसी स्टेशन कोड है ईटी नेक्स्ट हां हमने इटारसी से ये लिए चाय हम पहुंचे हैं ऑन टाइम यहाँ पे 10 मिनट का होल्ड है फिलहाल है प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे और अभी आपको जल्दी डिपार्चर दिखाते हैं पहुंच चुके हैं मदन महल स्टेशन कोड है MML ये ऑफिशियल हॉल्ट नहीं है क्योंकि मेरे ख्याल से जबलपुर प्लेटफॉर्म्स खाली नहीं होंगे शायद इसकी वजह से यहाँ पे यूजुअली एक हॉल्ट दे दिया जाता है गई पुणे दरभंगा एक्सप्रेस हम पहुंच चुके हैं जबलपुर जंक्शन स्टेशन को है JBP ये पड़ता है वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन मध्य प्रदेश में यहाँ पे 26 ट्रेन ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती हैं ठीक है Thank you.
पहुँचे सिमोरा रोड। ऑलरेडी जबलपुर से 35 मिनट्स डिले चल रहे थे और यहाँ पे हॉल्ट नहीं है बट रोक के रखा है जिसकी साहब ने, शायद आगे रेड सिग्नल है पता नहीं मेरे हिसाब से जल्दी रही तो छूकी के आगे कवर कर पाएगी कि नहीं देखना है ना। लगभग 1060 किलोमीटर कवर करने के बाद हम पहुंचे हैं कटनी जंक्शन, स्टेशन कोड है KTE। यहाँ पे 5 मिनट का हॉल्ट है, हम पहुंचे हैं 1 घंटा डिले। आप अगर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आएंगे तो ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं IRCTC का फूड प्लाजा। अपने निर्धारित समय से 24 मिनट डिले के साथ हम पहुंचे हैं सतना स्टेशन कोड है STA और ये पड़ता है वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन में। यहाँ पे हम आए हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे और यहाँ पे करीबन 5 मिनट का हॉल्ट है। पहुंच चुके हैं मानिकपुर जंक्शन, स्टेशन कोड है MKP। ये पड़ता है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन में। हम आए फिलहाल प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे विद 15 मिनट्स डिले।
हम पहुंच चुके हैं प्रयागराज चुकी जंक्शन स्टेशन रोड PCOI। यहाँ पे ऑलमोस्ट रोजाना 80 प्लस ट्रेन हॉल्ट करती हैं। इसका मुख्य कारण यही है कि प्रयागराज जंक्शन का जो मेजर क्राउड था उसको डाइवर्ट करना। पहुंच चुके हैं 30 मिनट्स डिले। मैं फिलहाल प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे और यहाँ पे सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है, तो चल के आपको डिपार्चर दिखाते हैं।90 किलोमीटर कवर करने के बाद हम पहुंच चुके हैं हमारे डेस्टिनेशन वाराणसी जंक्शन। हम डिलेड हैं बाय 29 मिनट्स। तो इसको जरूर शेयर करिए। चैनल पे नए हैं तो इस थोड़ी सी मेहनत को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई जर्नी पे, तब तक के लिए टेक केयर।